बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ईटीसी हेल्थ ब्यूटी स्किन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईटीसी हेल्थ ब्यूटी टिप्स में आप लोग देखते हैं हेल्थी वाले से ब्यूटी वाले से बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो होती हैं, बहुत होममेड रेमेडी होती है, हर्बल रेमेडी होती है और घर पर आसानी जो है वो तैयार हो जाती हैं। बजाय ऐसे कि आप बाज़ार की महंगी महंगी प्रोडक्ट खरीदो, आप घर पर जो चीज़ अवेलेबल होती है उससे आप अपनी स्किन का ट्रीटमेंट जो है वो घर पर ही कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल जो है वो एक रेमेडी लेकर आई हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त है, स्किन के हवाले से है और ये जो कॉमन इशू है हमारा आज सबसे पहले, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर चले जाएँ, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है जी, आज बढ़ती हुई इस धूल में, डल में, इस इन्वायरमेंट में हमारी स्किन के मसले मसाइल जो हैं वो भरमार पड़ी हैं। ऐसी स्किनें जो कि पिगमेंटेशन का शिकार हैं और डल डैमेज हैं और जो रुखी बेजान स्किनें, टूटून स्किनें हैं, आज इन सारी चीज़ों का मैं एक सलूशन लेकर आई हूँ। जिनमें तो आपने बहुत इस्तेमाल की होंगी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की होंगी। जाहिर सी बात है हाइपर पिगमेंटेशन वाले लोग जो होते हैं वो बहुत क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उनकी ये कोशिश होती है ना कोई ऐसी चीज़ हो जिससे जो है वो हमें रिज़ल्ट मिले और हम जल्दी से बस क्विकली जो है वो हम इस पिगमेंटेशन से जान छुड़ा दें। जाहिर सी बात है चेहरा एक बेसिक आईना होता है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो चेहरे पर ही पड़ता है। जो जब चेहरा ही खूबसूरत ना हो, चेहरे का ही रंग बेजान डल डैमेज सा हो, तो फिर बाकी इंसान की क्या वैल्यू रह सकती है, ठीक है। खूबसूरती हर किसी को पसंद है, तो हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत नज़र आए और अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए वो तरह तरह के जतन करता रहता है, ठीक है जी। ये बात तो हम सब लोग जानते हैं। तो लेकिन हमारा आज का ये टॉपिक है पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जी। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जो पिगमेंटेशन बढ़ जाती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, और अगर वो बढ़ गई हैं तो चलो हमने कोई क्रीमें लगा ली, जैसे कि केमिकल फार्मूले लगा लिए, अप्लाई कर लिए जी, डॉक्टर ने जो रिकमेंड कर दी वो हमने अप्लाई कर दी जी, किसी सहेली ने बताया वो अप्लाई कर दी, किसी स्कूल में किसी ने बताया वो अप्लाई कर दी, कॉलेज में किसी ने बताया वो अप्लाई कर दी, फ्रेंड ने बताया वो अप्लाई कर दी, हर जगह जिसने जो बताया हमने वो एप्लीकेशन जो है वो हमने की, हमने उसकी बात मानी क्योंकि हमें लगा कि हमें शायद ये किसी तरह इससे निजात मिल जाए, ठीक है जी। तो ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी पिगमेंटेशन चली जाती हैं, उसके बावजूद वक्ती तौर पर वो चली जाती हैं, लेकिन फिर वो वापस कम बैक आ जाती हैं और आपकी स्किन पर निशान भी छोड़ जाती हैं। बाज़ अवकात ऐसा होता है कि स्किन पर हम क्रीम अप्लाई करते हैं छाइयों के लिए, जिसके लिए भी मतलब जो स्किन के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन वो चीज़ तो हमारी रिमूव होती है लेकिन हमारी स्किन पे एक ब्लैक पैच सा बनना शुरू हो जाता है। शायद आप लोग मेरी बात से मुतफिक हो, हमारी स्किन पे एक निशान बन जाता है ब्लैक, ठीक है। वो चीज़ तो रिमूव हो जाती है लेकिन उसके नीचे हमारी वो स्किन जो है वो ब्लैक होना, ब्लैक टोन में आ जाती है। तो आज इन सब मसलों का हल है ये क्रीम आप बनाएँ, इस तरीके से लगाएँ तो ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन दूर होगी बल्कि 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 ठहरिए जी, बल्कि स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। आप स्किप करके देखते तो फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली है, तो समझें, इसको देखें और इसको अप्लाई करें, ये बहुत ही फ़ायदा देगी आपको। तो करना आपने ये है जी, आपने इस क्रीम को इस्तेमाल करना है, इससे आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। जो पिगमेंटेशन वाली क्रीमें लगा कर जो स्किन पिगमेंटेशन तो रिमूव हो जाती है, स्किन पर डार्कनेस आ जाती है, वो सारा कुछ लाइटन अप करेगा, ठीक है जी। ये क्रीम एक जादुई क्रीम है, एक बहुत ज़बरदस्त एक मैजिक क्रीम है। बातें होंगी हमारी बहुत ज़्यादा, अब हम इसको बनाने का मेथड देख लेते हैं, कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको लगाना है, कब इसकी एप्लीकेशन करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे एक बाउल, ठीक है। हमने यहाँ पर एक बाउल कैरी कर लिया, उसके बाद हमने एक क्रीम ले लेनी है जी, रेटिनोइड क्रीम। ये कॉमन क्रीम है, हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, हर जगह आपको ये आसानी मैसर आ सकती है, कोई इतनी महंगी भी नहीं है, ठीक है। रेटिनोइड हमने क्रीम ले ली, तकरीबन हमने इसको हाफ टी स्पून पर रखना है, जिस एरिया पर हमारी छाइयाँ हैं हमने ये क्रीम वहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है जी। और याद रखें कि क्रीमों की क्वांटिटी जो होती है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल लेवल पर जो है वो आपने इनकी इसकी जो है वो क्वांटिटी रखनी है। बस ये देख सकते हैं आप, हाफ टी स्पून से भी कम मटर के दाने के बराबर मैंने जो है वो ये क्रीम इसमें ऐड कर ली है, राइट। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाती है जी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है, छाइयों के हवाले से गुरु मानी जाती है, यानी कि बहुत बेस्ट रिजल्ट।
हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हम इन क्रीमों को किस तरीके से अप्लाई करेंगे कि उसका रिजल्ट जो है हमें ज़बरदस्त मिले। देखिए हाइपर पिगमेंटेशन क्रीम जो है, इसके लिए हाइपर पिगमेंटेशन क्रीम बनाने के लिए हमें दूसरे नंबर पर जो क्रीम चाहिए वो हाइड्रोक्वीन है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, हाइड्रोक्वीन नोट भी कर सकते हैं आप। हाइड्रोक्वीन जो क्रीम है वो हमारे चेहरों की छाइयों के दाग धब्बों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी छाइयों के दाग धब्बे भी हमें रिमूव करेगी, राइट। तो इसकी भी हम जिस तरह से हमने ली थी क्वांटिटी, बेटोमेट की क्वांटिटी ली थी, इस तरह हमने हाइड्रोक्वीन की भी क्वांटिटी ले लेनी है, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, हाफ टी स्पून से थोड़ा कम। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वांटिटी हमने ये ले ली। अब हमें तीसरे नंबर पे जो क्रीम चाहिए वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और वो क्रीम आम यूज़ में होती है, वाइटनिंग के काम आती है। हमारी कह लें आप नानियों दादियों से ये क्रीम चली आ रही है, बहुत ज़बरदस्त है। तिब्बत स्नो की बात कर रही हूँ मैं, ये चेहरे को वाइट करेगी आपकी स्किन को, जहाँ पे छाइयों की पिगमेंटेशन वगैरह है वो रिमूव करेगी। ये भी हमें उसी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है जी, सारी मैंने सेम क्वांटिटी में सेम बराबर रखी है। तो अब हमने इनको कर देना है अच्छी तरह से मिक्स। इन तीनों क्रीमों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। सही तरीके से हमने मिक्स कर देना, ताकि हर क्रीम जो है वो आपस में बिल्कुल जज़ब हो जाए। जी देख सकते हैं आप किस तरीके से ये आपस में शेक हो गई है, बिल्कुल सारी मैंने मिक्स अच्छे तरीके से कर ली है। ठीक है, अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, वो भी अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये क्रीमें तो हो गई, तो अब हमें इसे अप्लाई करना है। अब अपने हैंड ले लें, सपोज मैं इसको डेमो करके आपको बता रही हूँ, जैसे कि फेस पे करने में आपको हैंड पे बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे इस एरिया पर पिगमेंटेशन है, हमने क्रीम लेनी है, क्वांटिटी में ले लें, अपने फिंगर पे ले लें, स्किन वॉश करके रात के टाइम सारे काम उससे फ्री हो जाएं, जब अपने बेड पे आप जाएं, स्किन बिल्कुल आप सादे पानी टैप वाटर से वॉश कर लें। ठीक है, कोई अच्छा सा फेस वॉश है तो उससे वॉश कर लें, बिल्कुल नीट क्लीन कर लें, और स्किन फिर जहाँ जिस एरिया पर आपकी पिगमेंटेशन, जैसे कि मेरे सपोज यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी, ना मैंने इसको मसाज करना है, ना मैंने इसको रगड़ना है, जस्ट मैंने इसको राउंड शेप में हल्का सा मैंने इसको उस ऊपर थपथपा कर जो है वो मैंने ये क्रीम लगा देनी है, बस ऐसे। और आपने कुछ नहीं करना, बस इतना आपने करना है और आपने मज़े से सो जाना है। सुबह उठकर आप किसी अच्छे फेस वॉश से जो है वो अपनी स्किन साफ करें, और उसके बाद आप 1 वीक मुसलसल इस एप्लीकेशन को करें, फिर आप रिज़ल्ट अपनी स्किन पर पाएँ, बहुत ही नीट क्लीन आपकी स्किन हो जाएगी। फिर आप दुआएं देंगी मुझे कि हाँ आप ही ने कोई चीज़ बताई थी, हमने वो चीज़ पर उस पर अमल किया और हमारी स्किन जो है वो लाइट हो गई, वाइट हो गई, टाइट हो गई। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है, इसको तो आप यूज़ करें, बनाएं, और मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, ताकि आप ईद तक जो है वो आपकी स्किन जो है वो नीट और क्लीन हो जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है, पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।